मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आईपीआई का बारे में एक चीज़ बताएंगे, मतलब रिम प्रेम का जो आईपीआई आता है, इम्परफेक्शन आता है, उसके ऊपर अपना कंडीशनिंग कोण में कैसे बढ़ जाता है, उसका क्या क्या कारण रहता है, कंडीशनिंग कोण में कितना बढ़ना चाहिए वो कितना बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है रिम फ्रेम में समझ लो 3000 आईपीआई आता है तो उसका 30% 35% तक भी बढ़ जाता है। तो उस केस में अपन क्या क्या चीज़ अपन ध्यान रखेंगे, ये आईपीआई बढ़ता है कहाँ, वो बढ़ जाता है तो फिर अपना रिम फ्रेम तक इतना मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। समझ लो आईपीआई बिल्कुल ज़्यादा बढ़ जाता है ऑटोकोनो स्टेज में या YCP कंडीशनिंग के टाइम में, तो वो दिक्कत हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते, देखो सबसे पहले देखिए वो बढ़ने के कारण सब क्या है, किसका ऊपर डिपेंड करता है। वो सबसे पहले देखिए ऑटोकोनो ड्रम स्पीड, ये ऑटोकोनो ड्रम स्पीड होता है, देखो मटेरियल के हिसाब से, मटेरियल का CSP के हिसाब से अपन कितना चला सकते हैं। कभी स्पिन प्लान में अपना समझ लो स्पीड कभी बढ़ा के लेना पड़ता है, कभी कोई फॉल्ट वगैरह हो गया मशीन में ऑटोकोनो का स्पीड बढ़ा देते हैं, तो उस पर एक पाबंदी रखना पड़ेगा। अपन इस टाइप का मटेरियल चला रहे हैं तो इस टाइप में इतना स्पीड रखेंगे, तो एक गाइडलाइन आपको तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी मन मर्जी में बढ़ा दिया और आपके आईपीआई बिल्कुल रिंग से बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत हो जाता है। तो ड्रम स्पीड का ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो कम ड्रम स्पीड रहेगा उतना आईपीआई बढ़ेगा, अगर ड्रम स्पीड ज़्यादा रहेगा तो आईपीआई उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। और सबसे दूसरा चीज़ देखो सेटिंग अप यूआईसी गेज का जो सेटिंग होता है, चैनल सेटिंग होता है, स्प्लाइस सेटिंग होता है, बाकी दुनिया भर की क्लस्टर सेटिंग होता है, ये सारी चीज़ का जो FD का FL का सेटिंग होता है, सब सेटिंग होता है। तो उसके लिए क्या होता है, देखो अगर सेटिंग आप टाइट चलाओगे, जो अपन को ज़रूरत नहीं है फालतू चीज़ ढीला कर दे, गेज ओपन करके माल छोड़ दे, तो इसमें फॉर एग्जांपल समझ लो आपने गेज ओपन करके माल छोड़ दिया, तो उसमें क्या होता है, देखो ना थिन प्लेस कटेगा, ना थिक कटेगा, नेप कटेगा, कुछ कटेगा नहीं और वही सब चीज़ पास हो जाएगा। तो कोशिश करें गेज कम से कम मतलब मिनिमाइज करके रखें, मिनिमम रहे गेज, टाइट गेज रहे, ताकि आपकी कट्स लेवल भी 50-60 तक रहे और गेज भी टाइट रहे, तब जाके वो आपकी नेप्स ठीक थीन ये सब काटता रहेगा तो आपकी आईपीआई का जो बढ़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो गेज हमेशा कोशिश करें यूआईसी गेज ये पूरे टाइट रखें, और कभी कभी होता है यूआईसी गेज होता है जो कोई प्रोडक्शन वाला नहीं छेड़ता या कोई मेंटेनेंस वाला नहीं करता, एक्सक्लूसिव का आदमी इसीलिए करता है, कोई भी यूआईसी गेज चेंज करेगा जो स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव का आदमी वही इसको चेंज करता है, और वो फिर पूरा सबसे टॉप मोस्ट टेक्निकल आदमी का परमिशन की बात करता है, कोई ज़्यादा दिक्कत है तो यूआईसी गेज बार बार छेड़ना और अपना आईपीआई बढ़ाना बराबर है। तो कभी यूआईसी गेज नहीं छेड़ना, यान टेंशन देखो जो ऐसे अपना पैकेज का करते हैं, पैकेज किस काम के लिए जा रहा है, वो वार्पिंग में जा रहा है या होजियर में नीटिंग में जा रहा है या यान डाइंग में जा रहा है, जहाँ जहाँ जाता है उसी हिसाब से वो यान की स्ट्रेंथ के हिसाब से, यान का कितना CSP है रिम फ्रेम का उसी हिसाब से, और उसमें यान टेंशन भी सेट करना पड़ता है। समझ लो आपने मतलब बढ़िया माल बना रिम फ्रेम में और यान टेंशन आपने बिल्कुल ज़्यादा कर दिया या बिल्कुल कम कर दिया, वो दोनों ही अपने लिए बीमारी है। तो वो यान टेंशन जो होता है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ताकि आईपीआई ना बढ़े। कट्स लेवल भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना, कट्स लेवल हमेशा कोशिश करो 50-60 तक रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 60 तक, 60 के ऊपर जाएगा तो आपके माल में प्रॉब्लम आएगा, तो इसमें आईपीआई बढ़ने का संभावना रहेगा।
टाइमिंग ऑफ प्री कंडीशन। प्री कंडीशन क्या होता है, जैसे अपन YCP से पहले जैसे ऑटोकोन से कोन लेके जाते हैं तो एक चेम्बर रहता है जिसमें अपन वाटर का जो बेंशन फैन लगा के वाटर स्प्रे कराते हैं, उसमें मटेरियल के अंदर अपना वाटर पार्टिकल घुसता है और वो थोड़ा मॉइस्चर लेता है। वो कम से कम 4 घंटा कोई रखता है, कोई 6 घंटा रखता है, कोई 8 घंटा रखता है। वो प्री कंडीशन का टाइमिंग का भी देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो जाए कि माल पड़ा रह गया 24 घंटा 18 घंटा उसके बाद फिर वैसी पे डाले, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में आप बिल्कुल ऐसे नहीं करना, मतलब प्री कंडीशन का एक टाइम फिक्स टाइम रखना, भाई इतना घंटा अपन करेंगे। और टाइमिंग ऑफ YCP का अंदर जो अपन ट्रली देते हैं भरते हैं उसमें टाइमिंग जो होता है, किसी का 50 मिनट रहता है, किसी का 55 मिनट रहता है, किसी का 1 घंटा रहता है। वो YCP का जो चैप्टर है, मेरा एक वीडियो है, उसको देखिएगा मालूम पड़ेगा। कॉटन के लिए अलग है, कार्डन के लिए अलग है, कोम्ड के लिए अलग है, सिंथेटिक के लिए अलग है, सबका अलग अलग टाइमिंग रहता है। क्या भाई कितना मिनट में, समझ लो कोम्ड माल चला रहे हो आप 10-15 मिनट कम टाइम लगा सकते हो उसमें, कार्डन लगाते हो तो ज़्यादा टाइम दे सकते हो YCP का अंदर, जनरली 50 मिनट से 60 मिनट तक रहता है। तो वो देखो ज़्यादा टाइम होने से भी वो मॉइस्चर ज़्यादा ले लेता है, फिर प्रॉब्लम आता है। टेम्परेचर ऑफ YCP का अंदर का टेम्परेचर बराबर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, जो वाटर पार्टिकल है वो स्ट्रीम का रूप से हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि YCP का अंदर जो स्ट्रीम फॉर्मेशन होता है वो हर लेयर का कोन के अंदर जाता है। अगर समझ लो प्रॉब्लम है YCP में टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, तो उस केस में भी आपके IPI बढ़ सकता है। टाइप ऑफ वाटर यूज्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वाटर जो TDS होता है, TDS के हिसाब से अपन यूज करते हैं, इसको प्यूरीफाई करके कम से कम मतलब 30-40 से लेकर 100 TDS तक भी YCP में चल जाएगा, उसके ऊपर होगा आपको दिक्कत जाएगा, IPI बढ़ने की संभावना रहता है। अमाउंट ऑफ किट्टी ऑन कप, रिम फ्रेम बॉबिन में समझ लो किट्टी ज़्यादा है तो उस केस में आपको रिम फ्रेम से कॉप से ऑटोकोन और अनकंडीशन कोन का IPI ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 2-3% बढ़ेगा, क्योंकि जो किट्टी होता है वो गेज के थ्रू जब धागा जाएगा किट्टी झड़ जाता है, तो उस केस में वहाँ नहीं होगा, मतलब IPI नहीं बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिंग टू कंडीशन कोन जो IPI है, बारिश का मौसम में सबसे ज़्यादा बनता है, क्योंकि बारिश का मौसम में जो ठीक होता है नेप्स होता है वो सब क्या होता है, YCP करने के बाद इतना वाटर पार्टिकल घुस जाता है उसका, इतना मॉइस्चर ले लेता है, तो वो सब नेप्स जैसे बॉर्डर पे है वो गिनती में आ जाता है। ठीक प्लेस जैसे बॉर्डर पे है बिल्कुल टच करने वाला है बॉर्डर, वो भी फूल जाता है और नेप्स में आ जाता है, ठीक में आ जाता है, इसीलिए बारिश का मौसम में और ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ लीजिए कप का IPI XYZ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया XYZ है, तो अनकंडीशन कोन जो होता है जो ऑटोकोनर से मतलब कोन निकलता है 5-7% तक उसका IPI बढ़ता है। वो आपकी अगर किट्टी ज़्यादा है ये 2-3% बढ़ेगा, क्योंकि किट्टी झड़ जाएगा तो IPI उस पर इतना नहीं बढ़ता। अगर नई कटन चला रहे हो किट्टी ज़्यादा है तो UIC गेज के थ्रू माल पास करोगे तो किट्टी झड़ जाता है। वो उसके बाद देखो प्री कंडीशन में 2% तक बढ़ता है, मतलब ये समझ लो XYZ है, इसमें 5-7 और जोड़ दीजिए और 2% प्री कंडीशन में बढ़ जाएगा। उसके बाद कंडीशन कोन में देखो 8-10% तक जनरल बढ़ता है, और टोटल मैक्सिमम देखा जाए 18-20% तक बढ़ता है। और समझ लो आपने बिल्कुल हाई फाई स्पीड चला रखो ऑटोकोन में, बहुत ज़्यादा स्पीड चला रखो और आपकी UIC सेटिंग बिल्कुल वाइड साइड है, ये मैं बोल रहा हूँ 18-20 नहीं, ये तो 30-35% तक भी चला जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वही एक तरीका है, ये जो सब चीज पॉइंट बताया इसको नोट कीजिए। आप भी अपनी मिल में ये कर सकते हो, जैसे 10 फुल बॉबिन लिया आपने, फुल कप लिया, आधा चला के उसको कोन बना दीजिए बेबी कोन, फिर वो आधा बॉबिन दोनों का क्या करना IPI कर देना, बोलो बॉबिन
में नंबर डाल देना, कोन में नंबर डाल देना कि ये बॉबिन आधा चला दिया, आधा कोन बन गया, आधा रह गया, तो कोन का और बॉबिन का आप आईपी का चेक कर सकते हो, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कितना परसेंट बढ़ा। और समझ लो आपने 10 कोन बॉबिन लिया तो उसका कोन बढ़ा, फिर इसको YCP कर दो, YCP करने के बाद कितना परसेंट बढ़ा वो भी आप स्टडी कर सकते हो। और ये आईपीआई जो इशू है, रिम फ्रेम तक कितना मेहनत करा, अगर यहाँ गड़बड़ हो गया आपकी तो आईपीआई बिल्कुल बियॉन्ड लिमिट चला जाता है, फिर कस्टमर लोग कंप्लेन करते हैं, तो अब जाके उसमें हम लोग लगे रहते हैं। तो इसको बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए, उसी हिसाब से फिर काम करते रहिए, आपकी क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आज वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, थैंक यू।